नमस्कार, मैं गोविंद सिंह राजपूत, एक्स ट्रांसपोर्ट एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, विधानसभा क्षेत्र सुरखी सागर। पहली बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत बार हम लोगों ने मीडिया में सुना कि हम लोग बंधक बनाए गए, तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि हम लोग बंधक नहीं, स्वेच्छा से आए हुए। दूसरा, हम मध्य प्रदेश की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश सरकार जब बनी, 15 साल हम लोग विपक्ष में बैठे, और सरकार जब बनी तो सरकार में दो लोगों के चेहरे सामने किए राहुल गांधी जी ने, सिंधिया जी और कमलनाथ जी। लेकिन ये पूरा प्रदेश जानता है कि सिंधिया जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश की सरकार बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। सरकार बनने के बाद सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों को लगा कि सब ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कमलनाथ जी का व्यवहार हम लोगों ने देखा, मैं मंत्री रहते हुए कह सकता हूं कि कभी भी 15 मिनट भी उन्होंने हमको शांतिपूर्वक नहीं सुना। आखिर हम क्षेत्र की समस्याओं के बारे में किससे बात करेंगे? हमारे विधानसभा के लोगों ने हमें चुना और हम छोटे से छोटा उनका बंदूक का लाइसेंस भी ना बनवा पाए, एक छोटे सा स्थानांतरण ना करा पाए। विकास कार्यों की बात अगर हम कहें, विधानसभा में 1.5 साल हो गया, जो भी विकास कार्य लड़ झड़ कर झगड़ कर मैंने मंत्रियों के सहयोग से करवा लिए, पर मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं दिया गया। हाँ, मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है, मैं कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बैठता था कैबिनेट में, हर कैबिनेट में एक न एक प्रस्ताव आता था कि छिंदवाड़ा के लिए इतना पैसा, छिंदवाड़ा के लिए इतना पैसा। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ 1000 करोड़ रुपया छिंदवाड़ा को दिया। एक बार मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी सागर में कहा मजाक में कि मुख्यमंत्री जी, छिंदवाड़ा में तो अब जगह बची नहीं होगी, तो आप क्या काम के लिए जो पैसा ले जा रहे हैं वो क्या एक के ऊपर एक काम करवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं? तो मेरा कहने का तात्पर्य यह कि चुनाव अकेला छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता जाता आने वाला, और चुनाव छिंदवाड़ा की दम पर नहीं जीता गया। तो एक तरफ विकास कार्य में हम लोगों को कुछ नहीं कहा, एक तरफ सुनवाई के मामले में मैं कहता हूं कि हमारे जो विधायक साथी अगर जो जयपुर में हैं, जो कांग्रेस के हैं, उनकी अंतरात्मा से आप पूछिए, वो भी दुखी है लेकिन मजबूर हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दीजिए, आधे भाग